राइटर्स ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि उन्हें ओवरनाइट में ही बड़ी इनकम आ जाए राइटिंग ऑप्शन में आर बहुत इम्पोर्टेंट है अगर कवर करने की पोजिशन नहीं है तो मैं ट्रेड घर लेके जाऊँगा हाइएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बुट ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करके हम इस तरह से ऑप्शंस सेल भी कर सकते हैं हेलो फ्रेंड काफ़ी डिमांड और रिक्वेस्ट आई फॉर सेलिंग ऑप्शंस, राइटिंग ऑप्शन चलिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया है और कहा भी है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी टाइम मुझे छुट्टियों की मिलती है वीकेंड्स मिलते हैं ऐसे में मैं अपना मैक्सिमम टाइम देकर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूं जिससे मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करूं थोड़ा ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करूँ जो मार्केट में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट थर्टी एट ईयर्स तो हो ही गए हैं प्लस थर्ड जनरेशन होने के कारण थोड़ा और एक्सपीरियंस तो पापा से दादाजी से सबसे मिला ही है तो ये जो चीज़ें हैं मैं आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ और इसमें आप खुद ही मेरी हेल्प कर सकते हो कैसे आप कमेंट में लिखिए कि आपको और कौन कौन से वीडियोज़ चाहिए जितनी नॉलेज मैं पहुंचा सकती हूं, पूरी कोशिश करूंगी। कमेंट्स में मुझे जो भी टॉपिक्स आप दोगे मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, वो सब बन रहे हैं एडिट हो रहे हैं या पोस्ट हो चुके हैं तो दे आर रेडी विच आर रेडी आप उन्हें देख लीजिए और जो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे वो भी आप देख सकते हैं बिकॉज़ आज मैं बनाती हूँ तो एक ही दिन में नहीं होता है लेट से मैं एक दो एक या दो दिन में तीन चार वीडियोस शूट कर पाती हूँ और फिर उसकी एडिटिंग वगैरह होते होते वीकली एक या दो वीडियोस अपलोड हो पाते हैं टाइम लगता है इन सब चीज़ों का प्रोसेस के लिए और साथ में एक और चीज़ जिस टॉपिक को अप्लाई करेंगे उसी का मैं एडवांस वर्जन बनाऊंगी और ये बात मैं हर वीडियो में भूलती हूँ अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर एडवांस चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था ओपन इंटरेस्ट पे। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा अगर नहीं देखा तो इसमें लिंक दी गई है ओपन इंटरेस्ट की यूट्यूब वीडियो की उसे ज़रूर देखिएगा तो ये उसी का कंटिन्यूएशन बन जाएगा सेलिंग ऑप्शन क्या आप भी ज्योति बुधिया मैम से एंड टू एंड ट्रेडिंग पढ़ना चाहते हैं इफ यस देन आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू शेयर विद यू हमने ज्योति बुधिया मैम के साथ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ज्योति बुधिया लर्निंग पाथ इस लर्निंग पाथ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेज का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं इस लर्निंग पाथ में टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग

आप उसे देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ये मेरी स्ट्रैटेजी क्या है लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन एंड लो नियर बाय लिंक दी गई है इस वीडियो में तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो की तरफ ले जाएंगे लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन लो नियर बाय ये दोनों चीज़ मुझे ये बताती है कि आज मार्केट में बाइंग एक्शन ओपनिंग से ही चालू है अब उसी में मुझे एक और चीज़ मिल जाती है जैसे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट ये जो दो चीज़ें होती है ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम कॉल वालों की ओपन पोजीशन एक जगह पे खड़ी है बायर्स की भी राइटर्स की भी लेकिन मार्केट टर्मिनोलॉजी में मैक्सिमम राइटर्स वहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के ऊपर प्राइस जाएगी अंडरलाइन प्राइस जाएगी ऐसा उनको नहीं लगता वैसे ही हाइएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं बायर्स और राइटर्स दोनों लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे राइटर्स खड़े हैं क्यों उनको ऐसा लगता है प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो इस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट लिख देंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस अब ये ओपन लो और लॉन्ग बिल्टअप हमें यहाँ पे कहीं मिल जाता है नॉट इन द मिडल ऑलमोस्ट नियर द हाइएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट तो हम क्या कर सकते हैं हम पुट शॉट कर सकते हैं क्या थिंकिंग है हमारी कि मार्केट जो हमें डेटा दिखा रहा है ऑप्शन चेन हमें जो डेटा दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि प्राइस अंडरलाइन प्राइस यहां से नीचे शायद ना जाए तो लॉन्ग बिल्डअप ओपन लो प्लस हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट इसको लेके हम एक पुट यहाँ का शॉर्ट कर सकते हैं राइटिंग ओके लेटर से ये है थाउजेंड और ये है इलेवन हंड्रेड तो जो हम पुट राइट right करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि पुट जो है वो नाइन सेवेंटी के आसपास का हो एटलीस्ट ढाई से तीन टका नीचे हो ऐसा क्यों कभी कभी क्या होता है प्राइस नीचे आती है और फिर हमें डरा के फिर ऊपर चली जाती है तो थोड़ा तो हमें रखना पड़ेगा ना हिसाब किताब बफर रखना पड़ेगा तो ये जो है हम ये पुट राइट right करते हैं एक सजेशन मैं आपको दूंगी एक बार बाइंग से डर नहीं लगता उसमें भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लेकिन वर् सिनेरियो क्या होता है कि हमें पता है कि हमें इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा लेकिन राइटिंग में हमें ये कभी पता नहीं होता कि कल मार्केट कैसा ओपन होगा हमारे फेवर में या अगेंस्ट में राइटिंग में ये रिस्क हमेशा रहता है कि अगर मैंने राइट किया है पुट राइट right किया है तो मार्केट गैप डाउन हो गया तो और अगर मैंने ग्लोबल मार्केट्स रात को देख लिए जो गैप डाउन है तब तो पसीने छूटने ही छूटने हैं ऐसी सिचुएशन में मेरी एक एडवाइस भी है और सजेशन भी है कि हम अगर 970 का पुट राइट right कर रहे हैं तो 940 का या कोई भी जो आपको समझ में आए बट बहुत दूर का नहीं नाइन फिफ्टी नाइन फोर्टी इससे ज़्यादा दूर मत जाइए यहाँ का एक पुट बाय कर लीजिए उससे क्या होगा कि वर्स्ट 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 सिनेरियो में आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा आप रात को आराम से सो सकेंगे दिन में मार्केट के सामने नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपको पता है कि अगर सब कुछ अगेंस्ट में हो गया तो भी आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा आपका लॉस जो है वो डिफाइंड लॉस है इसलिए राइटिंग के टाइम थोड़ा ये जो रिस्क होता है उसे प्रोटेक्ट करना मैं ज़रूरी समझती हूँ बिकॉज अनलिमिटेड रिस्क लेकर हम मार्केट में ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते वैसे ही अगर मार्केट हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के पास में है और यहाँ पर मैं शॉर्ट बिल्डअप प्लस ओपन और हाई नियर बाय देख लेती हूँ तो मैं क्या करूँगी तो ये सिनेरियो जब मैं देख लेती हूँ मतलब यहाँ पे कहीं प्राइस होगा अंडरलाइन प्राइस और एग्जैक्ट तो हमें वहाँ नहीं मिलेगा तो रफली अराउंड इलेवन ट्वेंटी या थर्टी या ट्वेंटी फाइव जो भी होगा वो वाला मैं कॉल राइटिंग करूँगी उससे क्या होगा मुझे थोड़ा बफर मिल जाएगा और वही बात कि ऊपर का कोई भी कॉल जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो वो वर्स्ट लेवल का रिस्क वो कवर करके जरूर जाइएगा मतलब बाय कॉल मे बी ग्यारह सौ पचास मे बी ग्यारह सौ साठ आपको पता है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा नहीं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आप भी जानते हो राइटिंग में हमारी प्रॉफिट लिमिटेड है अप टू प्रीमियम रिसीव्ड अब मान लो हम थोड़ा 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 करके इकट्ठा करते हैं और फिर सडनली साल में एक ही ऐसा कोई मूव आ गया वो हमारी सारी प्रॉफिट ले जाए और घर का पैसा भी ले जाए ऐसी सिचुएशन में तो हालत ख़राब हो जाएगी लेटर से हमने हर महीने अगर दस दस रुपए भी जमा किए और लेटर से हम उसके भी तीस रुपया ऊपर लेटर ग्यारह सौ साठ का एक कॉल लेके रख देते हैं तो जो हमने रुपये जमा भी किए हैं ना पाँच रुपये सात रुपये दस रुपये तो कितना वस्त नुकसान होगा बीस पच्चीस रुपये का ही तो नुकसान होगा जो अपने पूरे साल में इकट्ठे कर चुके हैं अब ऐसी सिचुएशन में आपको घर से जो पैसा जाने का टेंशन जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा लेकिन एक चीज़ और अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हैं तो एक लॉट ही रखिएगा ऐसा नहीं है कि जब मन में आया दो लॉट का कर दिया एक लॉट का कर दिया एकदम सिस्टमेटिकली ट्रेड कीजिए और जो प्रॉफिट्स आता है इसे जमा रखिए ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट आ जाए तो मैं इमीडिएटली लॉट्स डबल कर दूँ पूरा मार्जिन का जब पैसा निकल जाए तब सोचिएगा कि मुझे लॉट डबल करना है या नहीं करना है बिकॉज कंसिस्टेंट इनकम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बिग इनकम इन वन टाइम हम यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने बैठे हैं वन टाइम इनकम के लिए नहीं बैठे जिस दिन हमारी कपेसिटी हो जाएगी कि हम दस लॉट कर सकते हैं तो वो दस लॉट की कपेसिटी कब बनेगी जब हमारे पास बीस लॉट का मार्जिन हो जाएगा तब हम दस लॉट का काम करेंगे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें डिसिप्लिन और सिस्टमेटिकली काम करना आ गया है हम कर रहे हैं उसके बेस पे हम अपनी लाइफ फुल्ली प्रोफेशनली ट्रेडिंग में निकाल सकते हैं एक ही टाइम में सारा पैसा नहीं बनाया जा सकता एक ही बार में छप्पन भोग एक साथ नहीं खाया जाएगा हाँ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हम खा सकते हैं राइट right? तो अब हम देखते हैं इसे करते कैसे हैं जैसा मैंने ओपन इंटरेस्ट में दिखाया था कि हमें लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप हमें कुछ भी दे मिला है अब हम लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप में जाके देखते हैं क्या आप भी ज्योति बुधिया मैम रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है बुधिया इस लर्निंग पाथ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेज का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं इस लर्निंग पाथ में टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग और मैम के बाकी सभी कोर्सेज अवेलेबल है एंड यू नो द अगर आप इंडिविजुअली इन कोर्सेज को बाई करते हैं तो आपकी फीस कुछ सिक्सटीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड के बीच होंगी बट इफ यू बाई सब्सक्राइब कीजिए और ज्योति मैम से ट्रेडिंग Now let's get back to the video. जैसे कल टाटा पावर में शॉर्ट बिल्डअप था ओपन तो हाई ओपनिंग टाइम पे शॉर्ट बिल्डअप नहीं दिखाएगा बिकॉज परसों के प्राइस से वो ऊपर था यहाँ तक आते आते वो शॉर्ट बिल्डअप दिखा देगा अराउंड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव के आसपास आते आते शॉर्ट बिल्डअप दिखा देगा फिर हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे अब ऑप्शन चेन में टाटा पावर यहाँ पे नीचे हम जाते हैं और मैं आपको एक छोटी सी वर्किंग दिखाती हूँ यही टाटा पावर का है और इसके साथ ये मैंने टाटा पावर का स्क्रीनशॉट ले लिया है इसे बड़ा कर देती हूँ और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फोर वन नाइन एट सब जानते हैं ये कॉल साइड है और ये पुट तो कॉल साइड में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है चार सौ पे चार सौ पाँच के आसपास ये आपको शॉर्ट बिल्टअप में दिखाया होगा ओपन हाई था चार सौ का हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट लेट से एड हो रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल राइटिंग कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकती हूँ तो हम क्या करेंगे लेटर से हम 420 425 के आसपास का हमने कॉल राइट किया होगा और वहाँ पे अभी का भी प्राइस पकड़ते हैं तो आठ रुपया है अब खुला तो छोड़ के नहीं जा सकती बिकॉज वीकेंड भी होते हैं या कल मान लो अगर रनिंग डे का मार्केट है वीकडे का मार्केट है तो नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन का चांस रहता ही रहता है गैप डाउन हो गया तो मुझे खुशी होगी बट गैप अप हो गया तो टेंशन तो हो जाती है ऐसे सिचुएशन में मैं अगर यहाँ पे 435 या 440 या 450 कोई भी एक लेके जाती हूँ कॉल ठीक है मुझे चार रुपये मिलेंगे आई एम हैप्पी विद दैट लेकिन अनलिमिटेड रिस्क से मैं बच जाऊंगी। अगर ये मंडे को या नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलता है आई एम हैप्पी लेकिन गैप अप में मैं बच जाऊंगी। अब सोचिए अगर आप दो दो तीन तीन रुपए इकट्ठे करके पूरे साल भर में आपने पंद्रह बीस रुपए ही इकट्ठे किए अज्यूम करिए और ओपन छोड़ दिया एक ही झोंका आएगा और आपसे चालीस पचास साठ रुपए ले जाएगा कमाया कितना पंद्रह बीस रुपये देना पड़ा पचास साठ रुपये यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि मैंने चार सौ पच्चीस का अगर कॉल बेचा है तो चार सौ पचास का ले रखा है अगर वर्स्ट में वर्स्ट सिनेरियो हो भी गया तो मुझे बीस रुपये से ऊपर का नुकसान नहीं होगा मतलब पूरे साल में मैंने जो कमाया भी होगा तो वो ही गया है उससे ज़्यादा नहीं गया ये ही प्रॉब्लम मैं बहुत बार सुनती हूँ कि भाई कमाया पूरे साल अच्छा कमाया लेकिन जब गया ना तो पूरे साल की तो इनकम लेके गया साथ में और भी एक्स्ट्रा ले गया तो ये जो चीज़ें जब हम सुनते हैं ना बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसी सिचुएशन में ये हमें बचा लेगा और राइटिंग में मैंने इतने बड़े नुकसान होते हुए देखा है कि मैं बता नहीं सकती वैसे ही अगर ये नीचे चला जाता है तो ये प्रीमियम कम होते जाएगा और मैं इसे स्क्वायर ऑफ कर दूँ जब ये प्रीमियम कम होगा तो बट नैचुरल कॉल का भी प्रीमियम कम ही होगा ज़ीरो नहीं होगा अगर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो पूरे चार रुपये घर में आ जाते हैं साढ़े तीन चार पौने चार जो भी रुपए हैं अगर दोनों ज़ीरो नहीं होते हैं और हाफ हाफ भी गिरते हैं तो भी मुझे प्रॉफिट है जैसा भी है मुझे प्रॉफिट आ सकता है तो जहाँ पे अगर मैं 450 वाला बेच के जाती हूँ तो भी मैं 470 या 480 कोई ना कोई कवर करके ज़रूर जाऊँगी मैं ओपनली नहीं जाऊँगी अगर कवर करने की पोजीशन नहीं है तो मैं ट्रेड घर लेके नहीं जाऊँगी ये तो तय है मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए ओपन रिस्क से आज भी मुझे डर लगता है अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज भी फ़ोबिया है ओपन रिस्क लेके जाने का तो गलत नहीं होगा क्यों कि मैंने भी बहुत हार्ड तरीके से ये सीखा है और अच्छा पैसा दे के ही सीखा है और वो पैसा किसी और को नहीं मार्केट को ही दिया है तो पात मान जाएंगे तो अच्छा है बस इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ तो इस तरह से हम कॉल राइटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चीज़ मिला है शॉर्ट बिल्डअप ओपन हाई प्लस ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस और यहाँ से अगर मैं पुट देखती हूँ तो पुट का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो एक यहाँ पर है यहां पर है साढ़े तीन सौ फिर यहां पर है बट नेचुरल चार सौ भर भी है और बारह सौ पचास पे भी है इसलिए काम और भी रिस्की हो जाता है कि जब चार सौ पे ही मुझे दोनों चीज मिल रही है तो हेज करना जरूरी हो जाता है ओके अब देखते हैं हम पुट कैसे करते हैं अब देखते हैं हम पुट राइटिंग कैसे करें अभी फ्रेंड्स एक लॉन्ग बिल्डअप में कल स्टॉक था ग्रासिम इसमें ओपन और लो नियर बाय है 2057 का ओपन है यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ भी मेरा कर्सर होगा यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ भी मेरा कर्सर होगा तो 2057 ओपन है और 2047 लो है अप्रॉक्सीमेटली टेन रुपीज़ जो कि आधा से पौना टका के बीच में है पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट यहाँ पे क्या प्राइस है अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड फोर्टी एट अब ऑप्शन चेन में देखते हैं ग्रेसिम हाइएस्ट बुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है चलिए हम इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर हम उसको ठीक से देखते हैं ये ग्रेसिम का ही ऑप्शन चेन है और हम इसको देखते हैं स्क्रीनशॉट से तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है ये साइड पुट्स है और ये साइड कॉल्स है एन इंडिया ऑप्शन चेन सब जानते हैं अच्छे से यहाँ पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है तो क्या हम लिख सकते हैं एच और क्या स्ट्राइक प्राइस है टू ज़ीरो फोर एट प्राइस कहाँ पर है टू जीरो फोर एट के आसपास प्राइस थी ओपन हुई दस रुपये नीचे गई और फिर वापस ऊपर चली गई और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है वो यहाँ पर है मतलब बाईस सौ अच्छा खासा डिफरेंस है हमारे पास में तो हम क्या करेंगे हम रफली अराउंड नाइनटीन mm. एटी का पुट शॉर्ट कर सकते हैं जिसकी प्राइस मॉर्निंग में अगर ये माइनस सेवनटीन पॉइंट टू फाइव दिखा रहा है और ये चौदह तो इक्कीस के आसपास होगी अरे इक्कीस छोड़ो हमने सपोज़ करो अट्ठारह में भी शॉर्ट किया है और उसके साथ हमने कोई नीचे का पुट अभी चलो स्टॉप लॉस लगाना आज स्टॉप लॉस अभी लगा लो बट घर जाते टाइम या स्क्रीन के सामने से जब आप उठ जाते हो फॉर द डे तो प्लीज़ आप हेज करके जाइए ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से एडवाइस भी है रिक्वेस्ट भी है तो हम क्या करते हैं कि लेटर से 1950 का या 1940 का कोई भी एक पुट डेफिनेटली बाय करके जाएंगे घर पे और जाते जाते अगर वही पुट चार रुपये का हो गया या पाँच रुपये का हो गया छः रुपये का हो गया मोस्टली हम काट के ही जाएंगे क्योंकि हम में इतना पेशेंस नहीं है बट अगर घर लेके जाते हैं और वो टाइम पे अगर हम हेज करके जाते हैं तो रिस्क और भी कम हो जाती है लेकिन डोंट गो विदाउट हेज मैं इसे अवॉइड करूँगी तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हम कर सकते हैं हाँ हम एक काम और कर सकते हैं कि बैक टेस्ट नहीं करना है हमको फ्रंट में ही देखना है तो पहले प्रैक्टिस तो करें और पेपर पे ट्रेड लिखता है तो मॉनिटर नहीं होता है यह एक वेबसाइट है बाई धन जो पेपर ट्रेड की है इसका नाम है वेब डॉट पेपर ट्रेड डॉट हमें दस लाख का वर्चुअल मनी मिल गया यहाँ पर मैं ग्रेसिम ढूंढती हूँ और ग्रेसिम का मुझे ऑप्शन चेंज चाहिए या मुझे दो हज़ार का पुट बेचना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी ग्रासिम डॉट मतलब स्पेस आएगा ग्रासिम स्पेस ट्वेंटी नाइन स्पेस फेब स्पेस टू थाउजेंड तो हम टू थाउजेंड का नहीं कर रहे हैं हम कौन सा कर रहे हैं वन नाइन एट ज़ीरो वन नाइन एट जीरो का पुट हम सेल कर रहे हैं तो हमें ये पुट बेचना है और ये पुट हम हम्लेट से एक्सपायरी तक रखना चाहते हैं और इसमें हम लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं एक पुट हमें सेल करना है लिमिट ऑर्डर हमने जैसे बात की थी बीस रुपया सेल कर दीजिए ये आपके इसमें सिस्टम में आ जाएगा और ये सिस्टम मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये रिजेक्ट कर देगा बिकॉज अभी सिस्टम ओपन नहीं है तो इस तरह से हम ये चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रेड करने के बजाय जब हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने हेज किया है ओपन छोड़ा है तो प्रॉफिट दिखता है लेकिन जब रियल ट्रेड करते हैं ना तो प्रॉफिट नहीं दिखता है ये मैंने सबसे सुना हुआ है मॉक ट्रेड में बहुत पैसा है पेपर ट्रेड में बहुत पैसा है रियल ट्रेड में पैसा नहीं है बिकॉज पेपर ट्रेड और मॉक ट्रेड में आपकी फीलिंग्स नहीं है इमोशंस नहीं है और रियल ट्रेड में आपका रियल मनी लगा है जिसमें इमोशंस है और यही कारण है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि हेज करके चलिए पैसा आता हुआ बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब जाता है तो जान निकल जाती है बस ऐसा है कि हम दिख रहे हैं कि हम हैं बट अंदर से हमारी क्या हालत होती है वो हम ही जानते हैं चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हों एंड इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है हेजिंग से प्रॉफिट कम होगी बट लॉस भी कंट्रोल में ही रहेगा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा तो सेलिंग ऑप्शंस हम ओपन इंटरेस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं विथ हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम इस तरह से ऑप्शंस सेल भी कर सकते हैं आप चाहें तो उनको इंट्राडे में भी सेल कर दीजिए इंट्राडे के हिसाब से आप उसके सेलिंग कर सकते हो बाइंग सेलिंग कर सकते हो इस तरह से करिए और जैसे मैंने आपको बताया है आप स्लो एंड स्टडी आराम से करिए हमें कंसिस्टेंट इनकम चाहिए ओवरनाइट इनकम नहीं चाहिए और राइटर्स ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि उन्हें ओवरनाइट में ही बड़ी इनकम आ जाए दे ऑलवेज प्रिफर कंसिस्टेंट इनकम तभी तो देखिए वो हमेशा आर की बात करेंगे लेकिन कभी भी बाइंग ऑप्शन में आपने सुना है आर के बारे में नहीं ना लेकिन राइटिंग ऑप्शन में आर बहुत इम्पॉर्टेंट है कहते हैं कि भाई हमको डेढ़ दो टका तीन टका मिल जाए महीने का वी आर मोर देन हैप्पी तो आपको जो भी टॉपिक पे मुझसे ट्रेनिंग लेनी है कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा और जिस वीडियो को लाइक करेंगे उस पर एडवांस टॉपिक जरूर बनाऊंगी। थैंक यू